बांग्लादेश के निर्माण से लेकर परमाणु परीक्षण तक इंदिरा गांधी के इन 5 फैसलों ने देश को दी नई दिशा। राज एक्सप्रेस। आज पूरा देश भारत की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को उनकी 105वीं जयंती पर श्रद्धा नमन कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी सहित देश के तमाम लोगों ने इस मौके पर इंदिरा गांधी के कार्यों और उनके बलिदान को याद किया। इंदिरा गांधी को आज भी एक सशक्त महिला प्रधानमंत्री के रूप में देखा जाता है। लोग उन्हें आयरन लेडी भी कहते हैं। इंदिरा गांधी की इस छवि के पीछे उनके द्वारा लिए गए कुछ ऐसे फैसले हैं, जिसके आगे दुनिया ने घुटने टेक दिए थे। तो चलिए आज हम इंदिरा गांधी के ऐसे ही 5 बड़े फैसलों के बारे में जानेंगे, जिसने देश को एक नई दिशा दी। बांग्लादेश का निर्माण। इंदिरा गांधी ने ही पूर्वी पाकिस्तान के लोगों को पाकिस्तानी सेना के अत्याचारों से छुटकारा दिलाया और दुनिया के नक्शे पर बांग्लादेश नाम के देश का उदय हुआ। साल 1971 में इंदिरा गांधी ने साहसिक फैसला लेते हुए दुनिया की परवाह किए बिना भारतीय सेना को युद्ध के मैदान में खुली छूट दी और पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए। परमाणु परीक्षण। अमेरिका सहित अंतर्राष्ट्रीय दबाव को दरकिनार करते हुए इंदिरा गांधी ने 18 मई 1974 को राजस्थान के पोखरण में परमाणु परीक्षण करके दुनिया को चौंका दिया। यह भारत को परमाणु संपन्न देश बनाने की ओर पहला कदम था। हालांकि इस परीक्षण के चलते अमेरिका ने भारत पर कई प्रतिबंध भी लगाए थे, लेकिन इंदिरा गांधी ने इसकी कोई परवाह नहीं की। ऑपरेशन ब्लू स्टार। इंदिरा गांधी ने आतंकवाद को खत्म करने के लिए हमेशा सख्त रूप अपनाया। उन्होंने पंजाब से आतंकवाद का सफाया करने के लिए पवित्र धार्मिक स्थल स्वर्ण मंदिर में ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाने की इजाज़त दे दी। ऐसा वहां से इंदिरा गांधी ने आतंकवाद को खत्म करने के लिए हमेशा सख्त रूप अपनाया उन्होंने पंजाब से आतंकवाद का सफाया करने के लिए पवित्र धार्मिक स्थल स्वर्ण मंदिर में ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाने की इजाज़त दे दी। ऐसा वहां से उग्रवादियों को बाहर निकालने के लिए किया गया था। इस ऑपरेशन का बदला लेने के मकसद से ही आगे चलकर इंदिरा गांधी की हत्या की गई थी। बैंकों का राष्ट्रीयकरण। इंदिरा गांधी ने 19 जुलाई 1969 को एक अध्यादेश के जरिए देश के 14 निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था। इससे इन बैंकों का मालिकाना हक सरकार के पास चला गया। ऐसा इंदिरा गांधी ने आर्थिक समानता को बढ़ावा देने के लिए किया था। आपातकाल। इंदिरा गांधी के तमाम अच्छे फैसलों के बीच एक फैसला ऐसा भी है, जिसके लिए उनकी आज भी आलोचना की जाती है। दरअसल इंदिरा गांधी ने साल 1975 से 1977 के बीच 19 महीनों के लिए देश में आपातकाल लगा दिया था। इसके बाद इंदिरा गांधी के खिलाफ प्रदर्शन करने वाले सभी लोगों को जेल में डाल दिया गया था। इंदिरा गांधी का यह फैसला आज भी कांग्रेस नेताओं को असहज कर देता है।